हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम नंबर थ्री करने वाले हैं, और नंबर थ्री का जो टॉपिक है वो है फर्मेट सीरम का एक टॉपिक। कल हमने डिस्कस की थी फर्मेट सीरम, वो सीरम मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। और उस फर्मेट सीरम की स्टेटमेंट क्या थी वो रिवाइज कर लेते हैं, जिस थ्योरम हमने जो आज करनी वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो फर्मेट सीरम क्या कहती थी कि यदि हमारे पास ए इज एन इंटीजर है और पी हमारे पास कोई प्राइम नंबर है या फिर पी इज एन नंबर, देन ए की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओवर मॉड्यूलो पी होती थी, तो दैट इज द थ्योरम। या फिर हमारे पास ए की पावर पी माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ओवर मॉड्यूलो पी, तो उसी के बेस के ऊपर हमारे पास आज जो एग्जाम्पल है या थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको करने के लिए प्यारी स्माइल होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, जहां पर ध्यान देते हैं कि इफ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, जहां पर एक चीज ध्यान देंगे कि जो आपके फर्मेट थ्योरम है वहां पर हमने पी को कल मेंशन नहीं किया था कि वो प्राइम है या नहीं। तो यदि वो प्राइम होता वो डेफिनेटली ट्रू होता, लेकिन सम केसेस में आपके पास वो कंपोजिटली ट्रू होता और सम केसेस में नहीं होता है। तो वहां पर उसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास है कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे पास यदि किसी नंबर के लिए वो ट्रू हो रहा तो वो नंबर आपके पास प्राइम ही होगा, तो वो यहाँ पर ट्रू नहीं होता। तो वो आपके पास अल्टरनेटिव एग्जांपल्स है, लेकिन श्योरिटी किस चीज की है कि यदि पी प्राइम है देन इट डेफिनेटली ट्रू। तो वहीं यहाँ पर बात लिखी हुई है कि हमारे पास पी एंड क्यू कैसे हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, और सच दैट हमें गिवन दिया हुआ कि a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो q। जहां पर ध्यान दे क्या है हमारे पास, a की पावर p है कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो q हमारे पास है, तो ये फर्मेट सीरम नहीं अप्लाई हुई। यहां पर डिस्टिंक्ट नंबर अनदर p है, यहां पर q, तो ये ऐसे हमें गिवन है। साथ में हमें दिया हुआ कि a की पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, तो वहां पर वेरिएशन समझ में आ गई, वहां पर p है तो q है, यहां पर q तो p, ये हमें दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन दी हुई है। तो देन हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास a की पावर pq इज कॉन्ग्रुएंट टू a ओवर मॉड्यूलो pq, तो हमने जहां पर pq लेकर आना है और जहां पर भी pq के ऊपर काम हमने शो करना है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसकी सिंपल सी लाइन है तो हम उसके लिए करते हैं। तो फॉर एनी इंटीजर हमारे पास, यदि हमारे पास a कोई इंटीजर है तो आप उस a की पावर यदि p करते हैं और उसकी पावर q करते हैं, आपको पता है कि यदि आपके पास 2 है, 2 की पावर 3 आपका आंसर 8 आता है, वो भी इंटीजर होता है। 2 की पावर 5 कर लीजिए, वो भी इंटीजर होगा। तो किसी भी इंटीजर की पावर आप लेते हो, चाहे वो पी है चाहे क्यू, तो वो आपके पास फिर से इंटीजर्स ही होंगे। तो ये हमारे पास इंटीजर्स है। अभी आपके पास किसी भी इंटीजर, तो मैं जहां पर फर्मेट थ्योरम बताने वाला हूं कि फर्मेट थ्योरम हमारे पास क्या थी कि यदि आपके पास ए कोई एन इंटीजर है और पी आपके पास कोई नंबर है, तो ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी होती है। तो यदि पी प्राइम है तो इट इज ऑलवेज ट्रू, और सम केसेस में कंपोजिट नंबर के लिए भी ट्रू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यदि आपके पास कोई भी इंटीजर है और यहाँ पर यदि प्राइम नंबर है, तो बी कैन पुट दैट इंटीजर इन दिस फॉर्म, दिस इज द फर्मेट थ्योरम। यहाँ पर ध्यान दे कि एनी इंटीजर और उसकी पावर यदि आप प्राइम करते हो तो बी कैन पुट इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान दे आपके पास एनी नंबर क्या है, हमारे पास ए की पावर पी इज एनी नंबर, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को आप पी को भूल जाइए, इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे 2 की पावर 3 8 होता तो उस 8 के ऊपर फोकस कीजिए, 2 की पावर 3 के ऊपर फोकस मत कीजिए। हमारे पास a की जो पावर p है, तो मैंने ये इट इज अ सिंपल एज इंटीजर, और इस इंटीजर की पावर यदि हम q करते हैं तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जैसे हमारे पास a की पावर p इटसेल्फ आ गया ना, हमारे पास कैसा आ गया कि a की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मीन इटसेल्फ। तो जहां पर भी हमारे पास a की पावर p ये जो नंबर है, जैसे हम इसकी पावर q करेंगे, तो बाय फर्मेट थ्योरम इसका आंसर क्या होगा, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ ओवर मॉड्यूलो, जहां पर यदि q है तो जहां पर भी q आएगा बाय दिस थ्योरम। तो जिस समझ में आ गया, तो जैसे हमने जहां पर लगाई हुई है तो एक बार फिर से अप्लाई करेंगे, एंड जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है aq, हम उसकी पावर ले लेते हैं p, और p क्या प्राइम नंबर है, तो इसके ऊपर भी फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जैसे मैंने इसकी पावर p की हुई है तो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ ओवर मॉड्यूलो p आपके पास आ जाएगा। तो जी हमने थ्योरम लिखा दी। तो फिर से समझा देता हूँ, ये आपके लिए नहीं है, यदि आप इंटेलिजेंट तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो कि ये क्या हुआ, लेकिन काफी स्टूडेंट होते हैं जिनको यहाँ पर डाउट, तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। सो हमारे पास क्या जाएगा, आप कंबाइन देखें तो आपके पास क्या गया, ए की पावर पी इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए की पावर पी मॉड्यूलो क्यू आ जाएगा, जहां पर फिर से आपके पास ए की पावर पी इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट ए की पावर क्यू मॉड्यूलो पी। तो ये दोनों टर्म को मैंने रिपीट कर दिया है, आपने कर देना है कि ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए की पावर पी पहले से आ चुका है, एंड सेकंड वाले से आपके पास फिर से ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए की पावर क्यू मॉड्यूलो पी आ चुका है नंबर वन। तो ये तो हमने जो अपनी ओर से किया वो ठीक है। अभी जो आपके पास गिवन डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, बट गिवन क्या हमारे पास ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी क्यू है हमारे पास, एंड ए की पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी है मार्केट टेस्ट इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान से देखना, जहां पर हमारे पास क्या है कि यदि मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं क्यू के साथ, तो दिस इज अ रिमाइंडर। मैंने कल समझाया था आपके पास कि यदि आप
कॉन्ग्रेंसी आपको आनी चाहिए कि ए की पावर पी को यदि आप पी से डिवाइड करते तो हमारा ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो जहां पर भी ध्यान से देखें कि यदि मैं इस नंबर को ए की पावर पी को क्यू से डिवाइड करूं तो दिस इज माई रिमाइंडर। तो यदि आपके पास रिमाइंडर आपके पास क्यू से छोटा है तो फिर तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि वो उससे बड़ा नंबर है ए की पावर पी, यदि जो हमारा रिमाइंडर आ चुका है यदि वो क्यू से बड़ा है तो हम उसको फिर से डिवाइड कर देंगे। तो वही तो हमें सेकेंड टाइम गिवन दिया हुआ है कि गिवन के ए की पावर पी को यदि आप फिर से डिवाइड करते हो तो क्यों आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जहां से आप ट्रांसटिविटी लगा सकते हो कि यदि मैंने इसको डिवाइड किया आंसर इतना आ गया और इसको फिर से डिवाइड किया आंसर इतना है, इसका मैंने क्यों एक्चुअली यदि आप इसको डिवाइड करेंगे क्यू के साथ तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके तो मैंने लिखा हुआ फ्रॉम वन एंड टू, जहां पर ए की पावर की पी क्यू जो है हमारे पास इट इज कॉन्ग्रेंट टू ए हो जाएगी ओवर मॉड्यूलो क्यू। समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे यहां पर काम करना है कि ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ए की पावर क्यू है, मीनिंग यदि मैं इस नंबर को पी से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर जी आता, और उस रिमाइंडर को यदि फिर से मैं डिवाइड करता हूं नीचे जहां पर सेकंड दिया हुआ है उसको फिर से डिवाइड करता हूं पी, तो फाइनल रिमाइंडर आपका जी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर आपका फाइनल रिमाइंडर। तो अपने डिवाइड में करते हुए हमने जैसे डिवाइड करते हैं लाइक थ्री और फोर डिजिट हम करते हैं, तो वैसे केस में आपके पास जो भी रिमाइंडर आता है फिर से डिवाइड करते हो फिर से डिवाइड करते हो, तो वही कंसेप्ट है। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, लाइक ऐसे मेरे पास 135 है, तो ये मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो हम कैसे नॉर्मली कर लेते हैं, हम लोअर क्लासेस में हम ऐसे 10 पर करते हैं, तो हमारे पास 35 रिमाइंडर बचता है यदि मैं ऐसे इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 3 आ गया यहाँ से 5 आ गया, तो हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं 7 के साथ 35, तो हमारा फाइनल जो रिमाइंडर आ गया 0 आ चुका है। यदि मैं 135 को 5 से करता हूँ तो फाइनल रिमाइंडर 0। तो मैंने 2 टाइम्स किया, पहले किया तो मेरे पास रिमाइंडर 35 था, उसको फिर से किया तो फिर मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ चुका है। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, नहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, तो आपके पास जहां से भी ट्रांसटिविटी लग जाएगी इसका रिमाइंडर जी, इसका रिमाइंडर जी, फाइनल इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा ओवर मॉड्यूलो पी। तो इसको लिख देते हैं कि फ्रॉम 192 वी गेट ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो क्यू एंड ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो पी आ जाएगा। तो अब आप यहां पर एक चीज और ध्यान से देखना, इसका मीनिंग क्या है, जी नंबर आपका सेम है, जो नंबर जहां पर है वही यहां पर है और जो रिमाइंडर जहां पर है वही यहां पर है, लेकिन आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, दो अलग अलग नंबर से कर रहे हैं बिकॉज वी हैव डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो इसका मीनिंग ये होगा कि कैसे हम इसको कह सकते हैं कि आपका जे नंबर भी आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर सेम आता, और किसी और नंबर से करते हो तो फिर भी डिवाइड आपके पास सेम आ जाएगा। और यदि आपके पास वो नंबर का जीसीडी 1 है बिकॉज प्राइम नंबर है तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगी और सेम रिमाइंडर देगी फ्रॉम 192 या फ्रॉम अबव रिजल्ट। आपने जो कॉन्ग्रेसी में आपने किया होगा कि यदि हम के पास यहाँ पर सेम है दोनों तरफ तो आपके पास जहां पर आप जिससे डिवाइड करते हो तो उनकी प्रोडक्ट भी उसको डिवाइड करेगी, उनका जीसीडी और एलसीएम भी आई थिंक उनको डिवाइड करता है। तो फ्रॉम दिस टू वी गेट ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो आपके पास कितना आ जाएगा, पी इंटू क्यू आ जाएगा एंड हेंस द रिजल्ट इज प्रूव। जहां पर यदि डाउट है कुछ बच्चों को, आपको शायद नहीं होगा लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होगा, तो मैं उसके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसे कि मान लीजिए कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारा जो 2 नंबर है वो 6 को आपका मान लीजिए कि आपके 12 को डिवाइड करें, आपका 2 नंबर 12 को डिवाइड करता है और आपका 3 नंबर भी 12 को डिवाइड करते हैं, और ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, इनका जीसीडी कितना 1 है, तो जे नंबर भी सेम नंबर को कर रहा है तो जे नंबर भी सेम को करता, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी 6 वो भी 12 को डिवाइड करती है, दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पर हम यही यूज किया हुआ है कि क्यू इसको डिवाइड करता है रिमाइंडर सेम आ रहा है, पी डिवाइड करता है रिमाइंडर सेम, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी करेगी और रिमाइंडर फिर से सेम आ जाएगा। जहां पर 2 ने 12 को डिवाइड किया रिमाइंडर 0 होता है, 3 ने 12 को किया रिमाइंडर 0 होता है, दोनों के प्रोडक्ट 6 12 को करती है रिमाइंडर फिर से 0 होता है। सो दिस इज द कांसेप्ट। तो अभी आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और साथ में नोट कर सकते हैं, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो तभी आप बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस।